राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम शनिवार को आ गए हैं। राज्य की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में दमदार प्रदर्शन किया है। पार्टी ने 7 में से 5 सीटों पर जीत हासिल की है। ये उपचुनाव प्रदेश के मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा और उनकी सरकार की नीतियों का पहला टेस्ट था। इसे न केवल भजनलाल सरकार ने पास किया बल्कि इस जीत ने एक नया रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है। इन 7 सीटों पर चुनाव प्रचार की कमान खुद सीएम ने संभाली हुई थी, जबकि कांग्रेस की तरफ से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ही प्रचार की कमान संभाले हुए थे, क्योंकि पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट महाराष्ट्र चुनाव में व्यस्त थे। दोनों नेता इस उपचुनाव में कम सक्रिय दिखे। भाजपा ने 5 सीटों झुंझुनू, खींवसर, देवली उनियारा, सलुम्बर और रामगढ़ में जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस ने दौसा और भारतीय आदिवासी पार्टी ने 84 पर जीत हासिल की है। दौसा सीट पर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को हार का सामना करना पड़ा है। किरोड़ी ने लोकसभा चुनाव में भी भाई को टिकट दिलाने की कोशिश की थी, जबकि 84 विधानसभा सीट से भारतीय आदिवासी पार्टी प्रत्याशी अनिल कुमार कटारा ने बाजी मारी है। खींवसर में आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल की हार हुई। खींवसर से भाजपा के रेवंत राम डांगा ने जीत दर्ज की है। आरएलपी की हार के बाद उसके पास राजस्थान में एक भी विधायक नहीं बचा है। थप्पड़कांड से चर्चा में आई देवली उनियारा सीट पर निर्दलीय नरेश मीणा दूसरे और कांग्रेस के केसी मीणा तीसरे नंबर पर रहे। नरेश मीणा ने ही एसडीएम को थप्पड़ मारा था। इस सीट से भाजपा के राजेंद्र गुर्जर ने जीत हासिल की है। वहीं झुंझुनू में कांग्रेस सांसद ब्रजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला को हार का सामना करना पड़ा है। इस सीट पर भाजपा के राजेंद्र भांपू ने जीत दर्ज की है। इस सीट पर कांग्रेस ने 21 साल बाद हार का स्वाद चखा है। इससे पहले 2003 में सुमित्रा सिंह यहां से जीती थी। इसके बाद से ये सीट कांग्रेस के कब्जे में थी। ये झुंझुनू के इतिहास की सबसे बड़ी जीत है, जबकि सलुम्बर विधानसभा क्षेत्र के आखिरी राउंड में बाजी पलट गई और भाजपा की शांता मीणा ने जीत दर्ज की। शांता ने बीएपी प्रत्याशी जितेश कुमार कटारा को शिकस्त दी है, जबकि दौसा विधानसभा सीट से कांग्रेस के दीनदयाल बैरवा और रामगढ़ से भाजपा के सुखवंत सिंह ने जीत हासिल की है। इस खबर में बस इतना है। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें अमर उजाला। वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।